हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में स्टूडियो में बताएंगे। मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। टॉप 10 प्रश्न है दोस्तों जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, जो TCS और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराए दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे जो देखकर आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे और कॉमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इसका, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा गया है। तो दर्पण कहाँ पर लगा है वो भी इंडिकेट करके बता देगा कि दर्पण कौन साइड लेना है। तो नीचे की ओर दिया गया है। तो दर्पण में एक बात हमेशा फिक्स है कि दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ, बस इतना कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखते हैं तो कोई सा भी सवाल रहेगा आप उसको चुटकियों में कर लेंगे। तो देखिए जैसे सी दिया गया है तो सी दर्पण में देखेंगे तो इस साइड से हो जाएगा, यानी कि सी की अगर बात किया जाए तो इस तरीके से सी हो जाएगा। उसी प्रकार से आर है तो हम लोगों के सामने आर इधर से हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा इस जगह पर, फिर यहाँ पर सी, और फिर के तो वैसा का वैसा ही रहेगा, फिर ई ऐसा ही ऐसा रहेगा, और बात करेंगे टी का तो टी हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा, ई साइड से हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ मिल रहा है, इसमें तो सी ई कर दिया ई नहीं होगा, इसमें देखा जाए सी किधर से कर दिया ई भी नहीं होगा, सी उसके बाद इसमें के कर दिया ई नहीं होगा। और एक बात हमेशा याद रखना है कि दर्पण में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, ई नहीं कि इधर उधर हो जाएगा कोई भी लेटर। हमेशा याद रखेंगे कि जो लेटर जिस जगह पर उसी जगह पर आएगा और जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग का ही अब दर्पण में देखना है, चलिए आप देखना चाहते हैं कौन कौन स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर सही कर रहा है और कॉमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपने सही किया। तो जैसे जी है तो जी की अगर बात किया जाए तो हम लोगों के सामने ई साइड से और इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। तो ठीक है जी कर लेंगे। एन की बात किया जाए तो एन किधर से हो जाएगा, इस तरीके से एन, फिर आई, फिर हम लोगों के सामने एन इधर से हो जाएगा, ठीक है। ओ का ओ हो जाएगा, फिर एस को देखा जाए तो एस इस तरीके से हो जाएगा, फिर ए यहाँ पर हो जाएगा, ई जैसे है तो ई किधर से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से हो जाएगा, और आर जैसे है तो आर किधर से हो जाएगा, यहाँ पर आर ई साइड से हो जाएगा। थोड़ा आर को थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, एकदम समझना है, रटना थोड़ी है। इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए जी एन आई एन उसके बाद ओ, हाँ तो इधर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। इसमें तो पहले आर कर दे, अभी क्या बताएं, दर्पण में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर, कहने का मतलब जैसे जी है तो जी यहीं पर रहेगा, एन जैसे है तो एन यहाँ पर रहेगा, एन यहाँ पर। हम चाहते हैं कोई भी स्टूडेंट से सवाल नहीं छूटे, इसीलिए हम एक प्रश्न में थोड़ा सा समय लेकर समय को दे रहे हैं ताकि समझ लीजिए इस तरीके, जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी, इन्हें कि लेटर उधर कर देंगे तो फिर गलती हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, ई आर पहले कर दिया ई हो ही नहीं सकता, इसमें आर देखिए पहले कर दिया ई नहीं हो सकता, इसमें जी क्या है ठीक है, लेकिन यहां पर एस को देखिए कैसे लिखा हुआ है, इसीलिए यह सब नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, अभी हर टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला, इसीलिए लेकिन लेटर वाला भी फिगर वाला भी क्वेश्चन रखे हैं, इसीलिए टोटल 10 प्रश्न है, अंत तक बने रहकर 10 कर लेते हैं तो चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप आराम से कर सकते हैं। अब जैसे एक है तो एक को आप कैसे करेंगे, तो एक हम लोगों का इस तरीके से, उसी प्रकार से ये वाला सिम्बॉल जैसे है एंड का, तो एंड हम लोगों के सामने इस तरीके से हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ई किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा ठीक है। और फिर जैसे R लिखा है तो R हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ठीक है सर इस तरीके से, जैसे एक इधर से, अच्छा अच्छा मेरा एक यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा हमने एक को अधिक कर दिया, रुक जाइए, एक यहाँ पर इस साइड से नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा एक ऐसा रहेगा मिरर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा अलग ना एक हो जाएगा, यानी एक किधर से हो जाएगा इस साइड से हो जाएगा, यहाँ पर किधर से हो जाएगा एक में, हाँ ये वाला इधर से होगा, हाँ अब जाके हम लोगों का आर हो जाएगा, फिर ई है तो ई किधर से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से हो जाएगा, फिर डब्ल्यू जैसा कर जैसा रहेगा ओ हो जाएगा, उसी प्रकार से हम लोगों के सामने पी है तो पी किधर से हो जाएगा, ई साइड से पी हो जाएगा, फिर एम का एम रहेगा तो यहाँ एम हो जाएगा, उसी प्रकार से ई तो ई क्या हो जाएगा, ई हम लोगों का यानी ई साइड से, तो ई क्या हो जाएगा ई साइड से हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा ई साइड से हो जाएगा, और हच दिया गया तो ऐसा देखते हैं किस ऑप्शन में मिल रहा है।
जैसे एक, उसके बाद एंड, उसके बाद आर ई डब्ल्यू, उसके बाद ओ पी एम और ई और हच जैसे इधर से इधर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर? अच्छे से देखिए ध्यान से, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा और क्या हो सकता है आंसर गलत हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा सर? सब चीज मिल गया जैसा जैसा हमने दर्पण में देखा, अभी बताएं जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। इस तरीके से सबको देखते हुए चलेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई सा भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हमने क्या कहा कि हर एक टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए आप अंत तक बने रहे। आप क्या करते हैं, शुरू में दो क्वेश्चन देखते हैं कि एक ही टाइप का है, अब निकलते हैं इस वीडियो से तो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा क्वेश्चन ऐसे में। आप अंत तक बने रहे। अभी देखिए हम एकदम चैप्टर वाइज शुरू कर दिए हैं, तो हर एक चैप्टर का 10-10 क्वेश्चन करवाते, मिसिंग नंबर का हमने उस दिन करवा दिया, फिर कल एक चैप्टर करवाया, फिर आज दर्पण प्रतिबिंब कराए, तो इसी तरीके से सारे चैप्टर को कराते जा रहे हैं। और जो जो नहीं देखे हैं वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो अगर इस फिगर को देखा जाए, जैसे यहाँ पर त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज हम लोगों के सामने कैसा बनेगा? तो यहाँ से इस तरीके से और ये वाला इधर हो जाएगा और हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से ऐसा हम लोगों का त्रिभुज बनेगा, ठीक है। और मेन बात है कि जो शुरू में जैसा त्रिभुज है इस तरीके से कर ले, शुरू में जो त्रिभुज है वो वाला त्रिभुज कैसा बनेगा दोस्तों, इस जगह पर बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और हम लोगों का इस साइड से और क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से ऐसा होगा। बाकी आप सबको समझ सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर इसने जो त्रिभुज बनाया ना एकदम उल्टा कर दिया, इसीलिए ना होगा। आपको पता होना चाहिए दर्पण में जैसा फिगर है वैसा ही बनेगा, और जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बने, ये तो फिगर हो ही नहीं सकता, कैसा कर दिया त्रिभुज, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसीलिए हम लिखे मात्र 2 सेकेंड में देख कर आप आंसर कर लेंगे, बस अर्थे ट्रिक को समझना है, लॉजिक को समझना है कि कैसे कर रहे हैं इस प्रश्न। देखिए ये वाला त्रिभुज से हम फाइंड कर ले कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, डी होगा, बाकी कोई नहीं होगा। ये वाला तो ऐसे चढ़ गया, इसमें सीधा त्रिभुज, त्रिभुज को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर उल्टा त्रिभुज है, यहां पर सीधा कर दे रहा है, इस वजह से ये वाला नहीं होगा, डी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करके दिखाए, 5वां नंबर क्वेश्चन देखना चाहते हैं कौन कौन सही कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर पता होना चाहिए, अभी बता चुके हैं कि दर्पण में जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बने, दर्पण का एक ही ट्रिक है, जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। अब यहाँ से जैसे इस तरीके से क्या है तो ये हो जाएगा, और फिर यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए जैसे उसमें सी देख रहे हैं, तो सी इस जगह पर एक सी हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा इधर से, फिर एक एक सी यहाँ पर हो जाएगा, और जैसे भी है तो भी यहाँ पर हो जाएगा, और फिर जैसे पेंट क्या हुआ है तो पेंट इस जगह पर आप कर लीजिए, इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों पेंट। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जो जितना दूरी पर अभी क्या बोले, जो जितना दूरी पर ये वाला इस जगह पर आएगा, ये पेंट क्या है तो पेंट इस जगह पर, इधर खाली है तो उधर क्या हो जाएगा दोस्तों, खाली वाला भाग जाएगा। तो हाँ मेरा काम है समझाना कि आप देख लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, बाकी आप सब फिगर को बना लीजिए। जैसे यहाँ पर एस दिया है तो इस तरीके से एस कीजिए, यहाँ पर आपका त्रिभुज है, सब चीज बनाते हुए चलिए, लेकिन बनाना नहीं, आप तो फिगर 4 ऑप्शन दिया, बस देखना है और आंसर निकाल लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए अब इस फिगर को देखेंगे मिरर यानी दर्पण में कैसा दिखाई देगा, तो चलिए एक बार देख के कोशिश कीजिए तो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये वाला फूल जैसे हम लोगों के सामने क्या है, तो ये वाला फूल किधर से हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से आएगा, ठीक है। और इस एरो का निशान है तो इस जगह पर एरो का निशान हो जाएगा, और इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक गोले का निशान। उसी प्रकार से एक हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों का फूल बनेगा, और एक एरो का निशान इस जगह पर हो जाएगा और एक यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। आराम से हड़बड़ करना है, वरना क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। बाकी देखिए आप देखेंगे पता चल जाएगा कि यहां पर कैसे किधर से तीर का निशान ऊपर नीचे कर रहा है, तो कोई ऊपर नीचे कर दिया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए एक जीरो यहां पर है, तो जीरो यहां आया, तो ये वाला इधर जाएगा, इसमें तीर का निशान ऊपर कर दिया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दर्पण पर, देखिए ये वाला भी टाइप आपका एग्जाम में पूछा गया, और सब क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम से लिए हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है हर एक एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। तो इस फिगर को देखें, देखिए इसका तो देखते ही आंसर निकल जाएगा, बस अर्थ यही एक दिक्कत है कि इसमें दर्पण कहाँ ले, यहाँ लगा दें दर्पण, उसके बाद यहाँ लगा दें दर्पण, या यहाँ लगा दें, कहाँ लगा दें, इसमें किधर दर्पण लगेगा हम लोगों का। तो देखिए अगर वो दर्पण नहीं दिया है तो आपको क्या मानना है कि दायां साइड में लेना, कभी कभी ये वाला सवाल आता है, यानी कि दर्पण किधर लेंगे, तो दायां साइड में लेकर सॉल्व करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केस में हम लोगों का दायां तर में ही प्रश्न सॉल्व हो जाता है।
तो अब जैसे चार है तो चार किधर से हो जाएगा, इस साइड से हम लोगों का ऐसे चार बनेगा। उसी प्रकार से आठ है तो आठ तो इस जगह पर हुबहू वैसे रहेगा, यहाँ पर जैसे जीरो है तो जीरो वैसे ही रहेगा। फिर हम लोगों के सामने इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सात हो जाएगा। यहाँ पर जैसे एक है तो एक इधर से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना लीजिए, इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा। तो ज़्यादा पेचीदा नहीं है, आप आराम से कर सकते थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी, ई ए वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। कौन सा होगा इस प्रश्न का आंसर, ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अभी इस टाइप का हर एक एग्जाम, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी अग्निवीर, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, इसीलिए आपको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और पार्ट वाइज कराते जा रहे हैं तो सब पार्ट को देखते हुए चलिए। जितने भी चैप्टर से हम क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या करवा चुके, उसके बाद ये वाला चल रहा है, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं। अभी अभी बताएं तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, L तो L इस साइड से हो जाएगा। उसी प्रकार से U तो U हो जाएगा। F इधर से है तो दर्पण में F किधर से, इधर से हो जाएगा। उसी प्रकार से S तो S हम लोगों के सामने इस तरीके से। उसी प्रकार से S हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुक जाइए, एस को थोड़ा बढ़िया से कर देते ना, तो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों का एस इस तरीके से, उसी प्रकार से यहाँ पर एस इस तरीके से हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने आई, फिर से एल आया तो एल यहाँ पर कर लेंगे। और फिर बी है तो बी किधर से हो जाएगा, ई साइड से हो जाएगा। तो देखते हैं कहाँ पर, एल यू तो एल यू एफ, इसमें देखिए डबल एस एकदम सीधा रख दिया, ई का भी पॉसिबल ही नहीं है, इसमें भी डबल एस सीधा, ई भी पॉसिबल नहीं है, इसमें डबल एस एल यू, हाँ तो यही वाला होगा। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। इसमें देखिए बी पहले कर दिया जो संभव नहीं है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आराम से, आराम से और ध्यान से देख के करना है। अगला क्वेश्चन, ये देखिए बड़ा कंफ्यूजन, बड़ा कंफ्यूजन, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। अब देखिए इस फिगर को देखेंगे तो कैसा देगा, जबकि सीजीएल में इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, कई बार देख रहे हैं अलग अलग साल में रिपीट किया है। तो जब इस फिगर को हम लोग देखेंगे तो कैसा बनेगा, तो अभी क्या बताएं, दर्पण कहीं भी दे सकता है, या तो इधर दे सकता है, वो सिंबॉल दे दिया है तो सिंबॉल दे दिया, इसका अर्थ नीचे में दर्पण लगाया। तो जब इस फिगर को हम लोग ले लेंगे, एक सिलेंडर यानी कि बेलन टाइप में क्या हुआ, तो आपको भी बेलन इस तरीके से ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं और यहाँ से हम लोगों का इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सिलेंडर हो गया, तो सिलेंडर यानी बेलन को हमने बना लिया, तो इस पर क्या हो जाएगा, यहाँ से और हम लोगों के सामने इस तरीके से, और उसी प्रकार से यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से होगा और इस पर, और फिर हम लोगों के सामने इस जगह पर इधर से ऐसा करना होगा, और इस जगह पर क्या हो जाएगा, जो एक बना हुआ है सिम्बॉल इस तरीके से किया हुआ है। तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर डी वाला उचित ढंग से बनेगा, बाकी ये नहीं होगा। देखिए इस पार में कभी जा ही नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं, इसीलिए बी को तो आप पहले हटा दीजिए। और जैसा है क्या दर्पण में जैसा फिगर वैसा ही दिखता है, नहीं, दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, तो फिर आप कंफ्यूजन कैसे हो रहा है। तो ये वाला भी हम लोगों का नहीं सही होगा, ये सब नहीं होगा। इसमें देखिए यहां पर कहीं हम लोगों का जैसे ही दिखे, यहां पर कर्व किया हुआ है, इसमें देखिए एक गोल कर्व किया हुआ है सिलेंडर टाइप में, वैसा इसमें ऊपर में कर दिया, तो ऊपर में संभव नहीं है, बल्कि दर्पण में क्या हो जाएगा, तो जो जितना पहले ये वाला भाग बनेगा दर्पण में, यहां पर देखेंगे तो पहले ये वाला भाग आएगा इस जगह पर, तो वैसा करने के बाद ऑप्शन नंबर डी संभव है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, दसवां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए देखते हैं अब कौन कौन इस प्रश्न का आंसर है। यहाँ भी बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो देख लीजिए कौन सा सही होगा। जैसे देखिए सबसे पहले आर है, तो आर आपका किधर से हो जाएगा, तो सर आर हम लोगों के सामने ई साइड से होगा, तो ठीक है ई साइड से आर होगा। पहला ऑप्शन में आर देखिए किधर किया है, पहले मेन यही देखिए ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं, यानी सजा रहे हैं हम मतलब हटा दे रहे हैं ऑप्शन को, तो देखिए इसको आर किधर कर दिया, तो वैसा पॉसिबल नहीं, इसीलिए ए को पहले ही नेग्लेक्ट कर दिए, ठीक है। आर हो गया, उसके बाद एक आर इस जगह पर आएगा, तो आर के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ है इस जगह पर, ठीक है ये हो जाएगा। उसी प्रकार से ई वाला दो को दर्पण में देखेंगे ना, तो दो हम लोगों के सामने किस तरीके से हो जाएगा, तो देखिए जी दो पलट जाएगा, यानी कि दो हम लोगों के सामने इधर से और ई साइड से दो बन जाएगा। तो देखिए हम कहेंगे इस प्रश्न का आंसर यानी आर दो, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, तो ये वाला पाँच देखिए कैसे पलटा दिया था, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें देखा जाए दो कैसा कर दिया, ये भी नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये भी आपका सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे ये वाला दो देख रहा है, पहले दो को देखिए और आर को देखिए, यहीं से क्लियर होगा कि सर आर तो हम लोगों के सामने इस साइड से जाएगा, ठीक है। अब वो दो को देखेंगे तो दो पलटेगा, पलटेगा यानी एक तरीके से क्या हो जाएगा, पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा। तो पार्श्व प्रतिबिंब इस साइड से और हम लोगों के सामने इस साइड से आपका इस तरीके से दो बनेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा।
उम्मीद करते हैं आप 10 प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगा, नहीं समझ पाए, तो आप जरूर कमेंट कर देंगे, क्योंकि अगले पार्ट में जब आएंगे तो वहां पर उस प्रश्न को इंक्लूड करके समझा देंगे। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए इस वीडियो के, ताकि और भी स्टूडेंट का भला हो।